हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, क्लास टेंथ की साइंस हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 चल रहा है हमारा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज जानेंगे एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ ये वर्ड बार बार आ रहा था लास्ट वाले लेक्चर में भी, और इस चैप्टर में आएगा ही। जब भी आप बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करोगे तब ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, एंडेमिक स्पीशीज़। और जनरली न्यूज़पेपर्स में भी ये वर्ड आता रहता है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। पहली बात तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड ओनली ए पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। तो ध्यान रखना, एंडेमिक स्पीसीज में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल की वो स्पीसीज पाई जाती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ए स्पीसीज विच इज एंडेमिक टू ए पर्टिकुलर रीजन इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स ऑन दी अर्थ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी जा रही है कि जैसे सपोज ये अपना वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पर ये अपना वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में मान लो कोई स्पीसीज पाई जा रही है और वो स्पीसीज एंडेमिक है, तो ये सिर्फ यहीं मिलेगी आपको, इसके अलावा वर्ल्ड के किसी भी भाग में ये स्पीसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि वो स्पीसीज प्लांट्स भी हो सकती हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट भी आते हैं इसमें और एनिमल्स भी आते हैं, ये किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और जहाँ पर पाए जाते हैं उस रीजन के अलावा वर्ल्ड के किसी भी भाग में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्पीशीज होती हैं एंडेमिक स्पीशीज। ध्यान रखना, प्लांट्स भी हैं इसमें और एनिमल्स भी हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज एंडेमिक हैं। जैसे लेमूर, लेमूर पाया जाता है आपका मेडागास्कर। कहाँ पर पाया जाता है? मेडागास्कर में लेमूर पाया जाता है। फिर है मेटासिक्यूआ प्लांट, ये हुबई प्रोविंस इन चाइना, ये वाला जो प्लांट है ये कहाँ पर पाया जाता है? चाइना के हुबई प्रोविंस में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये जो लेमूर है ये सिर्फ आपको मेडागास्कर में ही देखने को मिलेगा, अफ्रीका की बगल में एक कंट्री है मेडागास्कर, उसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। नीलगिरी ताहर या इसको बोलते हैं लॉयन टेल्ड मकैक, तो ये है नीलगिरी ताहर और ये है लॉयन टेल्ड मकैक। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। डोडो बर्ड, ये डोडो बर्ड जो है ये आपको आइलैंड ऑफ मॉरिशस, हालांकि डोडो बर्ड तो आज की डेट में एक्सटेंड भी हो चुका है, मगर ये पहले भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता था? मॉरिशस आइलैंड में पाया जाता था। तो यहाँ पर जितने भी स्पीसीज दे रखी हैं ये सिर्फ इन जगहों के अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। इंडिया इज रिच इन टर्म्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, तो भारत में भी बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पेशली हमारे यहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। एक तो आपको कहाँ पर मिलेंगी? वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगी, हिमालयाज में देखने को मिलेंगी और अंडमान निकोबार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया, भारत में बात करें एंडेमिक स्पीसीज कितनी पाई जाती हैं, तो 44 मैमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, 57 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, 187 रेप्टाइल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, 110 एम्फीबियंस की स्पीसीज पाई जाती हैं और 5150 प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये जितने भी स्पीसीज ये दे रखी हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगी, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एंडेमिक स्पीसीज वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि वाई एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड इन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ये जो एंडेमिक स्पीसीज हैं बाकी जगह पर क्यों नहीं पाई जाती? तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिक कंडीशंस। अब देखो हम क्या है, जैसे आप जहाँ भी रह रहे हो आप वहाँ पर आराम से रह सकते हो, मगर आपको एकदम अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में भेज दिया जाए। जैसे मान लो आप गर्म क्लाइमेट में रह रहे हो, ठीक है, और आपको ठंडे क्लाइमेट में भेज दिया जाए तो वहाँ पर आपको सर्वाइव करने में ना बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो हम जो मतलब सर्वाइव करते हैं वो अपने प्लांट की अपने आसपास की जो क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन से उसके आधार पर सर्वाइव करते हैं, और हमारे जो बॉडी की जो रूपरेखा या बॉडी का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की कंडीशंस के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन अलोंग विद द इंट्रैक्शन विद अदर स्पीसीज आर द मेन रीजन फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज बींग एंडेमिक टू ए सर्टेन रीजन। तो यहाँ पर दो चीज़ रखें, पहली चीज़ तो क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं और दूसरा है इंट्रैक्शन विद अदर स्पीसीज।
तो इंटरेक्शन मतलब दूसरी स्पीसीज के साथ उनका क्या रिलेशन है, कैसे मतलब क्या संबंध है उनके बीच में। तो ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी स्पीसीज कैसी होती है, एंडेमिक होती है और दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सपोज कोई स्पीसीज इंडिया में पाई जा रही है तो समझ लो वो इंडिया का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में ही रह सकती है, उसके अलावा अगर किसी दूसरे क्लाइमेट में आप मगर उसको ले जाओगे तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, और साथ के साथ में उसके जो आसपास के जो अदर स्पीसीज हैं उनके साथ उनका क्या इंट्रैक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंडेमिक स्पीसीज वाला टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं उसके अलावा वर्ल्ड के किसी भी भाग में नहीं पाई जाती हैं उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। इसमें प्लांट्स भी आते हैं और इसमें एनिमल्स भी आते हैं, और इंडिया भी एक बहुत ही रिच कंट्री है किसके मामले में, एंडेमिक स्पीसीज के मामले में। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज हैं क्लास 10th के लिए उनको अवेल करें। साथ के साथ हम हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें जिससे आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।